ये देखिए क्या छोटी मौसी है रे चान। हाँ मालूम है, पहचान ही है बिल्कुल। दोस्तों लव मैच कपल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज देखिए, आज तो है पहला अरग दोस्तों। आज जाएंगे शाम में पहला अरग देखने, संध्या अरग है। तो अभी तो टाइम है, अभी हम लोग नहाए धोए नहीं, अभी नहा धो के उल्लू भी नहाएगा, ये भी नहीं नहाई, ये भी नहीं, सुबह को नहाए, हम भी नहाए, आप नहाइएगा, हम भी नहाए, नहा लिया है उल्लू को तो दो तीन बार नहाना, एक बार भीग गया था पूरा, मतलब पूरा पोटी कर लिया था दोस्तों, तो हम रह रहा है तो पानी में दे दीजिए ना, पोटी करके ज्यादा कर गई ना, पोटी कर दिया था बेड पे। हाँ, दोस्तों हमें पूरा साफ किए, अब पूरा बढ़िया तो ना रखा है, साफ सुथरा। हाँ। चड्डी नहीं पहनाया इसको, भूल के चड्डी नहीं पहनाया खुल क्या, मतलब अभी कल्याण करेंगे ना तो कहीं नहीं बचेगा। ये बेटा कुल्लू क्या हो गया, उदास है मेरे लल्ला, ओ मेरे लल्ला, लल्ला नहीं सलाल्ला, एक नंबर बनवास। अभी हम बिचार तैयारी होने, मतलब सुबह से कुछ नहीं किया तो थकावट भी लग रहा था, तो तबीयत, अभी तो हम लोग सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया दोस्तों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए गुल्लू भी थोड़ा सोया, यहाँ पे ये हो गया क्या, फट गया वो, तो छाला आ गया, ज्यादा खाती है इसीलिए छाला आ गया दोस्तों। हाँ, एकदम एक एक थाली खाते है तो उसी का होता है, ऐसे छाला नहीं आता, दर्द वो छाले आ गए तेरे मुँह में, इसको इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, अभी आगे टकरा गया, इसमें चोट नहीं लगेगा, पागल है ये, मेरा शेर क्या हो गया, मम्मा को चोट लग गया, ठीक लग गया बोलता हूँ, मेरा कोई मारती है मम्मा ना बेटा, तो कोई मारती है ना मम्मा, मम्मा को चोट लग गई, नहीं गिरा था वो तो बच गया, जाएंगे ना छठ घाट, आज छठ घाट जाएंगे दोस्तों, मानगो जाएंगे या तो दुमा ही जाएंगे, वहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा नजारा होता है दोस्तों, बड़ा ना छठ पूजा का, तो उसका तो बातें अलग है दोस्तों, पर ये भी पूजा होता है, इसमें ज्यादा कष्ट रहता है, कितना धूप इसमें, देखिए वो तो ठंडा में रहता है तो इतना नहीं, मगर कटकी में चैती में बहुत ज्यादा गर्मी, इतना गर्मी सोचे, गर्मी में करना, ऊपर कटकी में भारी सामान उठाना, कटकी में तो इतना ठंडा रहता है, चैती में तो जानते हैं बहुत तकलीफ है, छठी में नहा धो के रेडी होके जाएंगे, भूखे प्यासे इसका भी तो मांगा है, ये भी छठ माँ का ही मांगा हुआ दोस्तों, अरे जो मनसा माँ पूजा हुआ ना तो इसके लिए मांगा होता, नंदिनी मांगी तो बताई नहीं थी, यही मांगी थी, क्या 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 नहीं मांगे, कहाँ कहाँ सब चर्चा कराना है, इतना देखो मांगा हुआ ना दोस्तों गुल्लू, क्या अभी तो पेट हुआ, अभी दो ही टुक पूरा हुआ है ना, देखो शनि भगवान को पूजा हुआ है, मनसा पूजा हुआ है, अभी छठ बाकी है, आशीर्वाद का अभी घर पे सब चर्चा कराना पड़ती है, मतलब अभी बहुत गुल्लू मतलब मांगा हुआ है, मतलब कितना मंदिर में मांगा हुआ है दोस्तों, पता नहीं हम भी नहीं जानते, जहाँ पाती है वहाँ मांगती है, तो जहाँ जहाँ बोला हुआ है वहाँ हम लोग को देनी पड़ेगा दोस्तों, अभी तो धीरे धीरे करके सबको हम लोग कर लेंगे पूजा पाठ, सबसे बड़ा तो ज्यादातर छठ का है, छठ महीने वो पड़े लगे, 15 तारीख को जा रहे एक जगह, वहाँ पे भी बोले थे गंजोवाड़ी जा रहे, वहाँ भी मांगा हुआ, वहाँ पे बोले थे कि हम मतलब उनके साथ रहेंगे तब हम आपके द्वार में आएंगे, बहुत पहले बोले कुमारे में, देखिए कहाँ जाके मांगे मेरे को, गंजोवाड़ी में बाबा के पास मांगे, जब बोले थे भगवान अगर उनसे मेरा एक हो जाएंगे तो पहले मांग लेते हैं अपना शादी से पहले, मेरे मांगे तो नहीं हुआ, शादी के बाद जाके मांगी, नहीं पहले मांगे, मिस्टेक हो गया भगवान, थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए थे, आज 2-3 महीना पहले जाके बोलती तो जल्द हो जाती, लेट हो गया, तो लेट करेगी तो लेट ना होगा, फिर अब फिर गुल्लू का भी बोले थे कि गुल्लू भी अच्छा से हो जाएगा तो पर शादी चढ़ा देंगे, तो गुल्लू हर जगह मांगा हो, कहीं ऐसा मंदिर मस्जिद नहीं बचा है जहाँ नहीं मांगी होगी नंदिनी, हर जगह मांग रही, सर्दी हो गया बेटा, पानी में दिन भर खेलवा तो क्या होगा, पानी में नहीं खेलता तुम तो छोड़ छाड़ देती तब ना, नहीं तेरे पापा, चलिए दोस्तों ब्लॉग के बने रहिए, अभी हम लोग नहा धो के रेडी होंगे, हम नहा लिए, हम नहीं नहाएंगे, नहीं नहाएंगे ना, तो इतना गर्मी में पसीना पसीना तो हो गया था, पानी नहीं है, चल एक मकसद कमो नहा, अच्छा ये नंदिनी अच्छी नहाएगा, हम तो नहाएंगे, मेरे लिए पानी रखा हो दोस्तों, हाँ पानी बोला, पानी बस है ना, तो हम क्या करेंगे, तुम लोग नहाए, हम बोला साड़ी पहने जो पूजा में नहीं पहने थे, पूजा में तो पूजा में नहीं पहने थे, बाबू को सब हाँ पहनो, बढ़िया पहनेगा, साड़ी में तुम ठीक दीदी, साड़ी पहना करो, चलिए दोस्तों ब्लॉग पे बने रहिए, नंदिनी को साड़ी पहनी गया, तू मस्त दिखी वाला साड़ी में, तू हर साड़ी एक नंबर है, और फिर और साड़ी आप बोल रहे हो, साड़ी लेंगे एक दो, हम तो बोलते हैं तुम साड़ी खरीदो तो सूट टूटे, सब सूट नहीं करता है, सिर्फ साड़ी में तुम अच्छा भी दिखती है, कैसे लगता है
अच्छा ठीक है, जब ज्यादा तारीफ करेगा ना दोस्तों तो भूल जाएगी, तो चलिए तो ब्लॉग पे बने रहिए। चल दोस्तों मैं नहा धो के पूरा रेडी हो गया, बालू झाले हम पूरा रेडी है, देखे कुछ नहीं करना है। कुल्लू नहीं हुआ रेडी, कुल्लू तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, माँ का सेंट लगाएगा क्या है? देखिए सेंट ले लिया माँ का, पता नहीं क्या करेगा सेंट से, क्या करेगा, खाने का चीज नहीं बड़ा, छोड़ खाने का चीज नहीं। देखिए नंदिनी भी तैयार हो रही है दोस्तों, इसका एग्रो बहुत अच्छी हो गया, तुम एग्रो नहीं बनाई रही? नहीं ये दोस्तों एग्रो भी नहीं बनाती है, कैसी लड़की है, लड़की लोग एग्रो बनाता है पता है तुमको? हमको नहीं पता। अच्छा गुल्लू जी को हम तैयार कर दिए, हाँ बेटा जी हो गया तैयार हो गया है, अब चलिए। तो कोट नहीं पहनाएंगे दोस्तों, बहुत ही गर्मी भी है, इसका कोट इसको नहीं देंगे, बिना कोट का ही चलेगा ये, घुटना पे चलना सीख गया है, आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता, इसको घुटना पे चलने सीख गया है। अरे घसता मत बेटा। तो नंदिनी भी तैयार हो गया, बुल्लू भी पूरी तरह से तैयार हो गया, इसकी माँ देखिए क्या कर दी अपने बच्चों, गर्मी में इसका जैकेट तो खोल दे लेके जाएगी, अच्छा तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा पर, अच्छा तो लग रहा पर, तो चलो निकलो हमें क्या, हम तो तैयार हैं, तो कब से तैयार है, तुम्हें लोग इतना लेट कर रहे हैं, अरे गुल्लू तो काजल पाउडर करने में लेट कर दिया। ये बड़ा मम्मा क्या बना दिया तुमको, काजल को देखिए, ये हरा साड़ी में कैसी लग रही है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट करके, मम्मी साड़ी में कैसे लगती है, अब हमको तो बहुत खूबसूरत लगती है साड़ी में, तो आप लोगों को कैसा लगता है साड़ी में नंदी, जरूर कमेंट करके बताइएगा, साड़ी सूट करता है कि वो नाइटी सब क्या नाम है सूट सूट हो जाए। हाँ चलिए दोस्तों अब चलते हैं, हम लोग घाट पे मिलेंगे। गर्मी है फिर भी भीड़ है, चलिए दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है, घूमेंगे और मेरी बहन भी आ रही है, पता नहीं दोस्तों देखेंगे कहाँ पर आई है, मम्मी भी आई है क्या, ये देखिए नंदिनी की छोटी बहन मिल गई है दोस्तों, इसकी माँ नहीं आई इसलिए पटर पटर ज्यादा कर रही है, कहाँ इतना माँ तो फिर कहाँ चिल्ला रहा है इतना, शांति से पूजा करो, हाँ तो पदार इसको पटक देगा पानी में, अब सूर्यास्त होने वाला है दोस्तों, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, देख रहे ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा बस, और 10 मिनट में अस्त हो जाएगा दोस्तों, हो गया ना पूजा कर लिया, हरक डाल ली ना, हम पकड़े बाबू को, इसको तो जहाँ मैंने बाबू को नीचे गिरा तो हम तो गिरा गिरा को मारेंगे, गुल्लू क्या छोटी मौसी है रे, सबसे छोटा वाला रुक रुक, धो रही है दोस्तों सब मिल के, अब साड़ी धो रही है जो मतलब हमें तो उतना नहीं मालूम है सब नियम धर्म दोस्तों, नंदिनी भी लगी हुई है देखिए
भी लगे रहो दो हार क्या है न पूजा पाठ में भिड़ी है नदनी पूरी तरह से बहुत भीड़ है दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पास इसे लग रहा है कत्की छठ है ना चैती ये तो कत्की जैसा लग रहा है इतना भीड़ है चैती तो है पर कत्की से लग रहा है लो गुल्लू को लो अब बाहर निकलेगी हो गया चलो ना कौन है पहचानो हाँ मालूम है पहचान गए बिल्कुल वही तो सोच रहे कहाँ से कहाँ गया हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जहाँ से गोलगप्पा खाए ना दोस्तों वही उन्हीं का यहाँ से खाया था तो वही मिल गया किस तरह है यार हाँ जो भी है सवारा को रख दे कर घर जा रहे हैं सारा चीज देखे हम तो कपड़ा मतलब पूरा लगी हुई है दोस्तों अपने श्रद्धा से पूरा पूजा पाठ कल सुबह आएगी ना सुबह भी आएगी दोस्तों सुबह का ब्लॉग तो आपको शाम में मिलेगा कल शाम में मिल जाएगा आपको ब्लॉग चलिए दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है पूरा घूम रहे हैं तो शाम हो गया पूरा डूब गया पूरा और एक अंकल मिले थे जो मतलब मेरे घर में भी रहते हैं उन्होंने तो ले लिए और गुल्लू को पैसा दिए दोस्तों 5 रुपया कमा लिए पूरा सांझ हो गया तो हम लोग घर निकलेंगे थोड़ा बहुत घूमेंगे दोस्तों देखिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं गुल्लू कविता पढ़ रहा है अपना ना बेटा जो शर्ट उठ खोल कर बैठा था गुंडा जी सा हीरो बन रहा है कि हीरो है कि तू विलन है कौन फिल्म का हीरो है आ गए हम लोग दोस्तों छठ घाट से बहुत ही मजा आया छठ घाट में हम लोग उनको बहुत ही एंजॉय किए क्या बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों कुछ किए सच में दोस्तों इसकी माँ भी मिली पर उतना बात उतनी हुआ पर माँ मिली कि बहन एक तो छोटी वाली मिली दोस्तों वो तो फटर फटर बहुत करती है अब फिर हम लोग घर जब आ रहे थे ना तो नंदनी की सास नंदनी को मिल गई फिर हम लोग एक वहीं पर मिली फल दुकान के पास 1 किलो सेव लिए हम लोगों ने भी और वो लोगों को भी 1 किलो सेव की 1 किलो की 2 किलो सेव दो किलो मतलब पापा को खाने के पापा का भी तबियत बोलते का ठीक नहीं है थोड़ा मतलब पैर जल गया पैर थोड़ा जला हुआ का तो गैया को खाना दे थे ना तो क्या घट्टा वो ही पैर पे गिर गया तो उसे जल गया पापा तो ऐसे बात नहीं करते अपना ही क्या बात नहीं करते करते नहीं है कभी एक दिन जरूर मिलेंगे बढ़िया से भी एक दिन अपना साथ से मिलके बढ़िया से एक बार आपको दिखाएगी दोस्तों ऐसे मिली थी रोड में जब अपना मन रहेगा तभी ना आएंगे इसीलिए मतलब गंदी बात सब मिल गया पूरा परिवार मिला सब मिल गया सास ससुर छोड़ के ससुर और पापा छोड़ के ननद से मिली गई है तेरे को ननद सब मिल गई सब आज का दिन नंदी को सब मिला दोस्तों गुल्लू को भी मिला गुल्लू भी सो रहा था ये गुल्लू छुपा है 205 रुपए मेरा गुल्लू आज का माया 205 रुपए ना 205 रुपए भी कमा क्या है गुल्लू मेरे दोस्त मिला इतना छोटा में भी कमा लेता है 200 रुपए नहीं है इसका 200 रुपए इसका बचपन का पैसा दोस्तों हम लोग बचा के रख रहे हैं और कितना पैसा उड़ा दिए हैं अब आधा बचपन का रख रहे हैं हाँ बेटा तेरा बचपन का पैसा हम जमा कर रहे हैं तुम बड़ा वाला तो मांगना मेरे से ठीक हम देंगे तेरे को तो चलिए दोस्तों ब्लॉग का एंड करते हैं बहुत एंजॉय किया अब ब्लॉग को अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं।